नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटासी फैक्टर में। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आप लोग ड्रीम इलेवन के ऊपर किसी भी मैच की रिसर्च कैसे करें, कौन सी ऐसी एप्लीकेशन, कौन सी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप लोग को एकदम परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, परफेक्ट डेटा आप लोग को मिले, हर एक प्लेयर का आप लोग को स्टैट्स कैसे आप लोग को निकालना है, सारी की सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे देखने वाले। पॉइंट टू पॉइंट में आप लोग को पाँच ऐसी एप्लीकेशन, पाँच ऐसी वेबसाइटों के बारे में बताने वाला हूँ कि जहाँ पे आप लोग को लगभग जो भी आपकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है, इन्फॉर्मेशन जो भी रहती है, वो आप लोग को सारी की सारी मिलने वाली। तो आप लोग को क्या करना कि वीडियो को आप लोग को लास्ट तक जरूर से वॉच करना, और अगर आप लोग को वीडियो पर सच में पसंद आती है तो यार वीडियो को आप लोग को लाइक कर देना। तो चलो बिना टाइम गवाए हम लोग कर देते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे पांच चीज़ें लिखी है, ठीक है। पहले आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन देख सकते हो जहाँ पे हमने रखा है फैनकोड को। फैनकोड पे पहले नंबर पे क्यों रखा है, इसका भी एक स्पेशल रीजन है, ठीक है। आप लोग को पता होगा फैनकोड यहाँ पे ड्रीम इलेवन की ही ऐप है जहाँ पे ये मैचों को लाइव स्ट्रीम करते हैं, प्लस यहाँ पे आप लोग को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे आप लोग लाइव मैच भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन, यहाँ पे लगभग 80 से 90% जो भी आपकी यहाँ पे और सर्च रहती है फ्रेंड, जहाँ पे आप लोग किसी भी मैच की रिसर्च करते हो, वो आपकी 80 से 90% यहाँ पे पूरी हो जाती है। मैं आप लोग को बता देता हूँ आप लोगों को किस प्रकार से यहाँ पे सर्च करना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप लोग यहाँ पे फैनकोड ऐप को ओपन करोगे तो आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार का लोगो आएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स में जाके यहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। तो देखोगे आप लोग तो यहाँ पे आप लोग के सामने स्पोर्ट्स आएगा, तो स्पोर्ट्स में आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो किस स्पोर्ट्स के आप लोगों को यहाँ पे रिसर्च करनी है। यानी कि ऐसा नहीं कि आप लोग सिर्फ क्रिकेट के यहाँ पे कर सकते हो, आप लोग फुटबॉल के कर सकते हो, बास्केटबॉल के कर सकते हो, हॉकी कर सकते हो, जितने भी यहाँ पे लगभग गेम ड्रिवन में खेले जाते हैं सबके आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छी रिसर्च कर सकते हो। प्लस आप लोग देख सकते हो किसी भी मैच में आप लोग जाकर यहाँ पे लाइव भी इस मैच को देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे आओगे सबसे पहले फैंटेसी वाले ऑप्शन में, जो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे रहता है, यहाँ पे आप लोग देखोगे तो बहुत अच्छा यहाँ पे रिकॉर्ड रहता है फ्रेंड्स। यहाँ पे पाँच जो लास्ट के मैच रहे इस टीम के किस प्रकार के रहे ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, और इन मैचों को आप लोग डिटेल्स में यहाँ पे देख के बहुत अच्छी रिसर्च आप लोग कर सकते हो। आप लोगों को बैटिंग ऑर्डर, प्लेइंग इलेवन लगभग सब यहाँ कुछ यहाँ पे से क्लियर हो जाएगा इन पांच मैचों को अगर आप लोग देख लोगे, ठीक है। इसके अलावा दूसरी टीम के भी आप लोग यहाँ पे रिसेंट फाइव मैच यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और अच्छी चीज आप लोग को मिल जाती है कि यहाँ पे हेड टू हेड बैटल किस प्रकार से रहा है दोनों टीमों के बीच में, ये भी आप लोग के बीच में यहाँ पे दिख जाता है कि किस प्रकार से जब भी दोनों टीमें आपस में बुड़ी है तो किस प्रकार का डेटा, किस प्रकार का मैच का यहाँ पे प्रडिक्शन निकल के आया है। तो ये चीज़ भी आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी हेल्पफुल हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक और एडिशनल चीज़ यहाँ पे आप लोग देखोगे बहुत अच्छी है कि लास्ट टू ईयर का डेटा आप लोग को यहां पे मिल जाता है कि लास्ट टू ईयर में जो भी दोनों टीमों के बीच में मैच हुए तो किस टीम का पलड़ा भारी रहा, किस प्रकार के विकेट गिरे, किस प्रकार के रन रखे बने गए फ्रेंड्स दोनों टीमों के बीच में जब भी आपस में भिड़ी है। तो लगभग यार मैं कहता हूं कि यहां पे 80-90% आपकी जो रिसर्च रहती है लगभग यहां पे कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा आप लोग को यहां पे बहुत अच्छी पिच रिपोर्ट मिल जाती है। जैसे आप लोग यहां पे आओगे तो फ्रेंड्स यहां पे आप लोग देख सकते हो जहां पे वेन्यू का ऑप्शन है, यहां पे देख सकते हो बहुत अच्छी यहां पे पिच रिपोर्ट यहां पे दे रखी है, जैसे बैटिंग पिच है और पेसर के लिए फ्रेंडली है, तो यहां पे ये चीज भी यहां पे मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखोगे एक एक प्लेयर का यहाँ पे बहुत अच्छे से तरीके से स्टैट्स वगैरह भी मिल जाएगा आप लोगों को। तो ये चीज़ भी आप लोग यहाँ से लगभग एनालिसिस कर सकते हो, और बहुत कमाल की ये एप्लीकेशन है यार, आप लोग एक बार आके यहाँ पे जरूर से आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट एवरेज, बैटिंग सेकंड एवरेज भी यहाँ पे लगभग बताया रहता है फ्रेंड्स, और जितने भी वेन्यू की इन्फॉर्मेशन रहती है सब कुछ आप लोग को यहाँ पे मिल जाता है, किस प्रकार के ये वेन्यू बनी है, क्या यहाँ पे इस वेन्यू की कैपेसिटी है, ठीक है, किस प्रकार के ये वेन्यू को सपोर्ट देती है। तो फ्रेंड्स लगभग जितने भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी हर एक मतलब बहुत कमाल की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे जाओगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे इनके जो एक्सपर्ट रहते हैं यहाँ पे देखोगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये लोग एनालिसिस करते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार का यानी कि पिच है, ये लोग भी यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इनकी टीम भी यहाँ पे रहती है, जहाँ पे टीम के साथ साथ आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी टिप्स ट्रिक्स देते हैं, जैसे यहाँ पे टॉप पिक्स, कैप्टन पिक्स और बजट पिक्स में आपको बहुत अच्छे प्लेयर का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, और उन प्लेयरों के बारे में यहाँ पे आप लोग देखोगे डिटेल्स में आप लोग को एक एक चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत ही कमाल का ये एप्लीकेशन है, लगभग आपके रिक्वायरमेंट जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप लोग रिसर्च करोगे लगभग आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे आते हैं दूसरी एप्लीकेशन के ऊपर, वो है गूगल, ठीक है। गूगल तो आप लोग जानते ही हो नाम से कितनी ज़्यादा फेमस एप्लीकेशन, ठीक है, रिसर्च के मामले में नंबर टॉप पर यहाँ पे गूगल को रहना चाहिए था, लेकिन मैंने फैनकोड को रखा है। इसका रीज़न आप लोग यहाँ पे जान चुके होंगे इससे पहले जब मैंने फैनकोड के बारे में आप लोग को बताया, ठीक है। तो गूगल पर भी आप लोग आओगे किसी भी मैच का आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग सर्च कर सकते हो, कोई मैच यहाँ पर ड्रीम इलेवन से उठा के देख लो, ठीक है। जो भी मैच चल रहा हो उस मैच का यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट ड्रीम इलेवन में देख सकते हो, जैसे यहाँ पे एचएल वर्सेस केटीएस है, ठीक है, तो इसको आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, और तीन चार आर्टिकल आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, जैसे एचएल वर्सेस, एक मिनट फ्रेंड्स,
एंड जैसे मैंने यहाँ पे एच एन वर्सेज के टी एस यहाँ पे सर्च किया तो देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल आ गए, ठीक है। 3 से 4 मिनट एक आर्टिकल को पढ़ने में आप लोगों को लगेगा, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी इस आर्टिकल में, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग भी अपने आर्टिकल में बहुत अच्छा डेटा यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इनको भी अपने आर्टिकल यहाँ पे रैंक कराने पड़ते हैं, बहुत अच्छी खासी रिसर्च ये लोग करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे आके तीन तीन जो यहाँ पे टॉप के 5 आर्टिकल हैं इनको आप लोग अगर पढ़ लोगे थोड़ा सा 3-4 मिनट में, ठीक है, तो आपकी जो रिसर्च का जो अदर पार्ट रहता है फ्रेंड्स वो भी यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे भी आप लोग को प्लेइंग अलोन और अच्छी अच्छी टीम भी आप लोग मिल जाती है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे आके चेक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो इन लोगों ने टीम भी सिंपली यहाँ पे पोस्ट की रहती है, और आप लोगों को यहाँ पे इनके टेलीग्राम चैनल वगैरह भी यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। देख सकते हो बहुत अच्छी यहाँ पे रिसर्च भी इन्होंने दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो अच्छी खासी टीम भी इन लोगों ने यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। तो नंबर 2 पॉइंट भी हमारा लगभग यहाँ पे क्लियर हो गया। नंबर 3 जो यहाँ पे हमारा सबसे अच्छा सर्च का इंजन है जहाँ पे आप लोग ये वीडियो भी देख रहे हैं वो है यहाँ पे यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब की वीडियो आप लोग को सिर्फ प्रिडिक्शन के लिए देखनी है, यहाँ पे मैंने दिखा कि ओनली फॉर प्रिडिक्शन, यानी ये नहीं कि आप लोग को टीम कॉपी पेस्ट करनी है। जो लोग आप लोग को यहाँ पे प्लेयर बैटल समझाते हैं, पिच रिपोर्ट समझाते हैं, ठीक है, एक एक प्लेयर का डिटेल्स, बैटिंग ऑर्डर, ठीक है, उसका करंट फॉर्म और उसका जो क्लास है वो लोग बताते हैं, उस पर आप लोग को फोकस करना है। ये नहीं कि आप लोग को उनकी टीम कॉपी पेस्ट करनी है, टीम आप लोग खुद से बनाइए जो उन्होंने यहाँ पे आप लोगों के लिए रिसर्च कर रखी है, उस पर आप लोग फोकस करिए कि आप लोगों को क्या चीज़ वहाँ से चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप लोग ने यूट्यूब की वीडियो देखी और इनकी टीम कॉपी पेस्ट कर ली, ठीक है। यूट्यूब आप लोगों को पता बहुत बड़ा यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आप लोगों ने देखा जब हमने गूगल सर्च किया तब भी यहाँ पे यूट्यूब पर बहुत सारी यहाँ पे वीडियो हमें सजेस्ट की हुई मिली, ठीक है। तो देख सकते हो बहुत सारे लोग यहाँ पे जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं बहुत अच्छे यहाँ पे वीडियो बना लेते हैं, तो आप लोग यहाँ पे जाके इनकी वीडियो वॉच कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ से भी आप लोग गूगल सर्च से भी यूट्यूब पे आ सकते हो और अच्छे खासे रिसर्च आप लोग कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे चौथा जो ऑप्शन है वो है टेलीग्राम। टेलीग्राम पे आप लोगों को पता है आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है फैंटासी फील्ड के मामले में, क्योंकि यहाँ पे टेलीग्राम में बड़े बड़े चैनल हैं, टेलीग्राम पे भी आप लोगों को बहुत अच्छा यहाँ पे डेटा मिल जाता है, ठीक है। टेलीग्राम में आप लोगों को की प्लेयर सब कुछ यहाँ पे ग्रैंड लीग के लिए, स्मॉल लीग के लिए बहुत अच्छी अच्छी टीम्स, बहुत अच्छे अच्छे टिप्स ट्रिक्स यहाँ पे दिए रहते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम के थ्रू भी अपने रिसर्च को यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। वहाँ पर आप लोग को जो टेलीग्राम के ऑनर है, एडमिन है, वो आप लोग को प्लेइंग 11, बैटिंग ऑर्डर, हर एक प्लेयर का डेटा बहुत अच्छे तरीके से समझा के भेजते हैं। तो आप लोग वहाँ पर जाके भी बहुत अच्छी रिसर्च अपनी कर सकते हो, लगभग टेलीग्राम पे भी आपकी रिसर्च 80 से 90% डन हो जाएगी, ठीक है। फिर बात आती है फ्रेंड्स यहाँ पे ट्विटर की। ट्विटर की हम एक ही चीज यहाँ पे मैं बताऊंगा ट्विटर में, कि ट्विटर में जैसे कि आप लोगों को किसी भी प्लेयर के बारे में आप लोगों को सर्च करना है, ठीक है, उसका हिस्ट्री किस प्रकार का है, किस प्रकार का उसका रिकॉर्ड रहा है, T20 का किस प्रकार का रिकॉर्ड है, या फिर आप लोग को किसी सेपरेट लीग को फॉलो करना है तो आप लोग उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ट्विटर में जाओगे, ठीक है। और ट्विटर में आप लोग उनके पेज को डायरेक्टली फॉलो कर सकते हो, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये फैंटासी लैब NBA है, यहाँ से आप लोग फैंटासी यहाँ पे NBA की जितने भी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी मिल जाती है, ठीक है। फिर आप लोग देखोगे इंडियन यानी IPL का मैंने फॉलो किया था, तो IPL का जितना भी डेटा है लगभग यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग देखोगे तो यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे लीग चलती है तो उनका यहाँ पे आपको डेटा लगभग यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे जैसे इनका है तो ये देख सकते हो रूल्ड आउट, देख सकते हो इतनी अच्छी यहाँ पे रिसर्च रहती है फ्रेंड्स, जहाँ से आके आप लोग पूरा का पूरा डेटा अपने ले सकते हो। जैसे आप लोग NBA खेलते हो तो देख सकते हो अभी का ये जस्ट इन्होंने पोस्ट किया है कि यहाँ पे जो है ये रोल्ड आउट हो चुके हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को सपोज कोई प्लेयर नहीं पता है कि किस प्रकार का खेल था, तो आप लोग डायरेक्टली उन प्लेयरों को यहाँ पे सर्च कर सकते हो, जैसे विराट कोहली है, ठीक है। और मतलब किसी का भी आप लोग को जानना, ये नहीं कहूँगा कि विराट कोहली को तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को जो कॉमन प्लेयर है जो डोमेस्टिक लेवल पर भी खेलते हैं, जैसे आप लोगों को पता है यहाँ पे बहुत सारी लीग डोमेस्टिक लीग ड्रीवन में ऐड होने लगी, तो यहाँ पे आप लोग आके उन लीग को फॉलो कर सकते हैं, उन लोग का जो डेटा है यहाँ पे ट्विटर पर वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा टेलीग्राम का, टेलीग्राम सॉरी यहाँ पे ट्विटर का। ट्विटर में आप लोग किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में यहाँ पे सर्च करने के लिए, पर्टिकुलर लीग के बारे में आप लोग सर्च करते हो तो आप लोग यहाँ से उसको फॉलो कर सकते हो। यहाँ से भी आप लोगों को बहुत अच्छी रिसर्च, आप लोगों का बहुत अच्छा डेटा मिल जाएगा आपके रिसर्च के रिगार्डिंग फ्रेंड्स। तो ये थी फ्रेंड्स यहाँ पे टॉप 5 एप्लीकेशन, टॉप 5 वेबसाइट जहाँ पर हम लोगों ने रिसर्च की, और आप लोग यहाँ से फ्रेंड्स 100% आप लोगों को पता चल गया कि आप लोगों को 100% यहाँ पे रिसर्च का जो आपका डेटा है लगभग आपको मिल जाएगा इन 5 एप्लीकेशनों से। तो आप लोग इन 5 ही एप्लीकेशनों पे यहाँ पे फोकस करिए, अगर आप लोग रिसर्च वगैरह करते तो आप लोगों की बहुत अच्छी रिसर्च हो जाएगी। और आप लोग को बता दूँ कि यहाँ पे मैं किसी एप्लीकेशन को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए आपका जो एजुकेशन है यहाँ पे रिमंड के रिगार्डिंग और आपके रिसर्च के रिगार्डिंग जो टीम आप लोग बनाते हो आपकी प्रिडिक्शन के लिए यहाँ पे ये वीडियो बनाया गया है। तो इस वीडियो को आप लोग रॉन्ग वे में मत लीजिए। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को यहाँ पे शेयर कर देना, ठीक है। और पहली बार अगर आप लोग इस चैनल पे आए, चैनल पे आप लोगों को लगता है कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को आप लोग यार जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में इसी प्रकार की धमाकेदार इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आप लोग तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक आप सभी लोगों के लिए।